हाल ही में अमेरिका में हुई क्वाड देशों की बैठक में भारत के लिए सकारात्मक संकेत मिले हैं। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने साझा घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में सुधार के प्रति सहमति व्यक्त की है। व्हाइट हाउस नहीं लगाया तो भारत जल्द यूएनएससी का परमानेंट सदस्य बन सकता है। ये एक महत्वपूर्ण विकास है जो न केवल भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की भूमिका को भी उजागर करेगा। भारत लंबे समय से यूएनएससी में सुधार की मांग कर रहा लेकिन चीन के विरोध के कारण ये संभव नहीं हो पाया। यूएनएससी में 15 सदस्य देश होते हैं जिनमें से 5 परमानेंट सदस्य हैं। ये सदस्य देश वीटो पावर के साथ आते हैं जो किसी भी निर्णय को पलटने की शक्ति रखती है। भारत की परमानेंट सदस्यता की मांग इस कारण भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ा लोकतंत्र और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्वाड समिट के बाद जारी साझा बयान में न केवल यूएनएससी में सुधार का समर्थन किया गया बल्कि स्थायी सीटों के विस्तार के लिए अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व तो शामिल करने पर भी बल दिया गया। यह संकेत देता है कि विश्व में एक संतुलित और न्यायपूर्ण सुरक्षा परिषद की आवश्यकता है जिसमें सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो। क्वाड देशों का समर्थन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बैठक के बाद व्हाइट हाउस ने भारत की महत्वपूर्ण आवाज को मजबूती देने के लिए यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता का समर्थन करने की बात कही। ये दिखाता है कि भारत को अब एक मजबूत वैश्विक साझेदार के रूप में दुनिया में देखा जा रहा। दूसरे देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत हो रहे हैं। फ्रांस ने पहले ही भारत की परमानेंट सदस्यता का समर्थन किया और रूस के साथ भारत की ऐतिहासिक मित्रता जग जाहिर है। अगर चीन को छोड़ दे तो भारत के बाकी सभी संभावित स्थायी सदस्यों के भारत की उम्मीदें बढ़ गई हैं। यूएनएससी में सुधार का समर्थन करने वाले देशों की संख्या बढ़ रही और ये स्थिति भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है। भारत यूएनएससी का एक महत्वपूर्ण दावेदार है और इसके पास इस पद के लिए कई कारण है। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है और वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा। इसके अलावा पिछले साल G20 का सफल आयोजन भी भारत की दावेदारी को बल देता है। भारत ने यूएन की पीस मिशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिससे उसकी छवि एक मजबूत और वैश्विक नेता के रूप में स्थापित हुई है। खैर, भारत की यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता की दिशा में ये नया संकेत न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर चीन ने अड़ंगा नहीं लगाया तो भारत के लिए यूएनएससी में स्थायी प्रवेश का रास्ता साफ हो सकता है। क्वाड देशों का समर्थन और अन्य देशों का सहयोग भारत को इस दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। विश्व अब भारत को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्वीकार कर रहा और ये समय है कि भारत अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से प्रदर्शित करे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।